सनातन धर्म के कई संतों ने कहा है कि ये कलयुग है, यानी कल का युग है। यदि हमें इस संसार में जीना है तो कलयुग के हिसाब से जीना होगा, ना कि सतयुग के हिसाब से। यदि हम इस कलयुग में सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलेंगे तो हमारा पतन उतनी जल्दी ही हो जाएगा। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो पेड़ जितना सीधा होता है वह उतनी ही जल्दी काट दिया जाता है, क्योंकि उसे काटने में किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो पेड़ टेढ़ा होता है उसे उतनी ही देर में काटा जाता है, क्योंकि उसे काटने में कई सारी समस्याएं होती हैं। यदि हमें इस कलयुग के संसार में जीना है तो हमें टेढ़े बनकर जीना होगा, ना कि सीधे बनकर, क्योंकि यदि हम सीधे बनकर जिएंगे तो हमारा पतन उतनी ही जल्दी हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बुराई का मार्ग चुनिए, लेकिन आपके अंदर कुछ आचरण ऐसे होने चाहिए जो बुरे लोगों के लिए एकदम परफेक्ट बैठें। हमारे जीवन में कई सारे समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं में हमें कई सारे लोग भी मिलते हैं। कुछ अच्छे लोग होते हैं और कुछ बुरे लोग होते हैं। हमें सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे तो हमारी बातों को कोई नहीं सुनेगा, लेकिन जो लोग जिस प्रकार के होते हैं हमें उनके साथ उसी प्रकार के व्यवहार करना चाहिए। यदि हम सभी के साथ शिष्टता और सीधेपन का से व्यवहार करते हैं तो वो लोग हमारा फायदा उठा सकते हैं। इस संसार में जितनी भी रोग बने हैं उनकी उपचार उनकी दवाइयाँ बनी हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे किसी लोहे को काटना होता है तो लोहा का इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार बुराई को काटने के लिए बुराई का इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम ज़्यादा सीधे बनते हैं तो हमारा पतन उतनी ही जल्दी हो जाता है। यदि हमें किसी भी बुरे व्यक्ति से बातें करनी है तो हमें बुराई का सहारा लेना पड़ेगा। यदि हम सीधे बनकर उससे बातें करते हैं तो हमें गलत साबित करेगा। हर व्यक्ति अपने हिसाब से सही होता है, चाहे वो अच्छा व्यक्ति हो या फिर बुरा। अच्छे लोगों का पतन कोई भी कर सकता है, लेकिन बुरे लोगों से सभी डरते हैं, सभी बुरे लोगों से दूर रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक कांटे के पौधे से, वैसे तो पुष्प के बहुत सारे पौधे होते हैं, लेकिन जिन पौधों में कांटे होते हैं लोग उनसे हमेशा दूर रहते हैं, और जिन पौधों में कांटे नहीं होते हैं उन पौधों के फूल व्यक्ति हमेशा तोड़कर फेंकते रहते हैं। आप उस पौधे की तरह बनेंगे जिसमें कांटे नहीं होते हैं तो आपको लोग बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, लेकिन यदि आप उस पुष्प के पौधे की तरह बनेंगे जिसमें कांटे होते हैं तो आपका हमेशा लोग साथ करेंगे और साथ भी देंगे, और आपका कोई भी पतन करने से पहले कई बार सोचेगा। हमारे देश में कई सारे राजाओं ने जन्म लिया है, लेकिन जो राजा टेढ़ा और क्रूरती स्वभाव का होता था उस पर दूसरे राज्य के राजा आक्रमण करने से पहले एक बार सोचते थे, लेकिन जो राजा सीधा होता था और जिसकी सेना कमज़ोर होती थी उस पर कोई भी राजा आसानी से चढ़ाई कर सकता था और उसका राज्य जीत सकता था। उसी प्रकार हमें अपने जीवन में कुछ ऐसे टेढ़े स्वभाव को रखना होगा कि हम अपना पक्ष इतना मजबूत कर सकें कि कोई भी हम पर आक्रमण करने से पहले 10 बार सोचे।